हेलो हाई एवरीवन, स्टॉक टिपन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर्स के बारे में, पर उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा आज के दिन जो ट्रेड करते हुए दिखी है तो 183 तक आप लोग को जाते हुए दिख रही है, आज के दिन ट्रेड होते हुए दिखी है, और ऑलमोस्ट 1% तक डाउन भी आते हुए दिखी है। यहाँ पे जो इतना बड़ा डाउन के साइड फ्लक्चुएशन है उसके पीछे कारण क्या है जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली अगर बात करें तो कितनी ही ज्यादा डिलीवरी बनते हुए दिखी है, 31.23%। ठीक ठाक डिलीवरी, पर ठीक ठाक नहीं बोलूंगा क्योंकि ठीक ठाक की जगह पे बहुत ही अच्छी डिलीवरी, मतलब मैं उसी को बोलता हूँ जो 30% से एवब में रहती है, और इनफैक्ट ये 30% से एवब में पर कुछ उस लेवल पे नहीं है। ठीक ठाक जब अच्छी डिलीवरी आती है 50 और 60 के रेंज में तब मैं उसको ठीक डिलीवरी बोलता हूँ, पर यहाँ पे वो वैसे डिलीवरी नहीं होते हुए दिखी है। इसमें भी क्यों रीज़न है, तो एक बहुत ही बड़ी रीज़न है, तो आप लोग सबको गो एयरवेज के बारे में सुने ही होंगे। तो गो एयरवेज ने क्या क्या फाइल किया है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, गो एयरवेज ने फाइल किया है कि वो लोग बैंककरप्ट हो गए हैं। बैंककरप्ट हुए हैं तो ये चीज, एक कंपनी है, कंपनी बहुत सारे लोग से लोन ली रहती है, बहुत सारे लोग से क्रेडिट ली रहती है, बहुत सारे बैंक से क्रेडिट ली रहती है, तो डायरेक्टली वो सबको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होते हुए दिखा है। तो यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन सी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, IDBI बैंक, तो ये सारी कंपनी कम से कम 7% इन्वेस्टर। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गो एयरवेज को दिक्कत के चलते यहाँ पे हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बहुत ही बड़ा दिक्कत देखने को मिलता है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत ही ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड की हुई थी गो एयरवेज को। यहीं से हम लोग बात करते हैं थोड़े से सेंट्रल बैंक के बारे में, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक के साइड आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल बैंक के साइड किस तरीके का फ्लो रहा है। आज के दिन सेंट्रल बैंक में भी 1.56% तक डाउन आते हुए देखिए, बहुत ही बड़ी लगातार ये सारी बैंक ऊपर जाते हुए दिख रही थी, और अभी के टाइम में कितनी ही ज्यादा अब कैसा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डाउन आने की बात करें तो बहुत ही ज्यादा और भी डाउन आने के चांसेस बन सकता है। 6 मंथ पे देखें तो देख सकते हैं किस तरीके से फ्लो देखने को मिला था बैंक ऑफ बड़ौदा में, अच्छी खासी तेजी, अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। यहाँ पे डायरेक्टली जो तेजी बनी थी वो बहुत ही ऊपर जाते हुए दिखी थी, और अभी के टाइम डाउन फ्लक्चुएशन। अब इसकी सपोर्ट के साइड बात करते हैं तो सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग पार्ट है जहाँ पे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उसको ब्रेक करते हुए दिखती है तो और भी ज़्यादा डाउन जा सकती है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम इसके मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से फ्लो बनाई हुई है, और यहाँ पे सबसे स्ट्रांग सपोर्ट की मैंने पहले ही लाइन बना दी थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं 175 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी है, और यहाँ पे ये चेंजेस 175 से लेकर 176 ये रेंज इसकी बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, अगर ब्रेक करते हुए दिखती है तो बहुत ही दिक्कत की बात है। अभी के टाइम में मैं आप लोग से डायरेक्टली रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा हो अवॉइड कीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में, अगर पैसा लगाने के मूड में है तो अवॉइड कीजिए। अगर कुछ ऐसा न्यू अपडेट आता है तो ऑफकोर्स मैं अपडेट कर दूंगा, इसलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। तो अभी के टाइम में पूरा चांसेस रखिए कि कुछ भी हो सकता है, तो अभी के टाइम में प्लीज़ अवॉइड कीजिए, पर हाँ कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद से भी एनालाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे अब आगे की साइड हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कब तक मैं आपको ऐसा 1 मंथ तो मैं इस सेल्स को बिल्कुल बोलूँगा अवॉइड करने। हाँ, जिनको PE में ऑप्शन ट्रेडिंग करने का मन है तो ऑफकोर्स आप लोग मूव कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग वाले को किसने रोका है, आप लोग कभी भी किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे आप लोग में से किसी को भी किसी ने नहीं रोका है, बट बस आप लोग इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं कि यहां पे आपको इफेक्ट होते हुए मिल सकता है। तो ये चीज पे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि कुछ हुए ना तो आराम से आप लोग का प्रॉफिट बनते हुए फ्यूचर में दिख सकता है, अच्छा प्रॉफिट बनने का पूरा चांसेस बन रहा है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इनफैक्ट मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि तभी मेरी लेटेस्ट अपडेट आएगी। लगातार 2-3 वीडियो और भी अपलोड होगी तो वो भी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।